वेल हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक वेज रेसिपी। ये रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ साबूदाना से। जब भी हम कोई व्रत वगैरह रखते हैं या उपवास रखते हैं तब ये रेसिपी हम खा सकते हैं। ये टोटली वेज रेसिपी है। इसके लिए मैंने पहले ले लिया है मूंग दाल और इसे अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। फिर उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और ऑयल में मैंने डाल दिया है 5 फोरन और थोड़ा सा ग्रीन चिलीज और इसे थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है बहुत सारी वेजिटेबल्स। अब जितना वेजिटेबल इसमें डालोगे उतना ही जो इसका टेस्ट है वो अच्छा आएगा। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और वेजिटेबल्स ऐड किया है। जितना भी वैरायटीज़ का वेजिटेबल आप डालोगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वेजिटेबल ही है जो आपका जो स्टमक है उसे फुल रखेगा। नहीं तो साबूदाना तो वैसे ही बहुत लाइट फूड होता है, उतना ज़्यादा मतलब स्टमक फुल फिल नहीं करता है। वेजिटेबल्स ही है जो इसमें आपको जो स्टमक है उसको फुल रखेगा। फिर उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट और इसे बहुत अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। इसको हमें थोड़ा सा लो फ्लेम में फ्राई कर लेना है। और फिर मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर और मैंने जो मूंग दाल को हल्का सा रोस्ट करके रखा था उसी को भी यहाँ पर मैंने डाल दिया है। और सभी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। जितना आप इसको अच्छे से मिक्स करोगे और फ्राई करोगे उतना ही सभी चीज़ों का जो टेस्ट है फ्लेवर है वो अच्छे से आएगा। फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा सा पानी। ज़्यादा करके आपको पानी डालना है पहले तो, क्योंकि ये सभी चीज़ों को हमें बॉईल कर लेना है। पहले हमने थोड़ा सा सॉल्ट डाला था, फिर दोबारा हमें सॉल्ट डालना है क्योंकि मैंने यहाँ पर पानी डाला है इसीलिए। फिर इसे हमें अच्छे से बॉईल कर लेना है। जब तक ये बॉईल नहीं होता तब तक हमें इसको ढक के पका लेना है। जब सभी वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएगा फिर यहाँ पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा जो साग होता है ना उसका लीव्स, क्योंकि अच्छा लगता है खाने में। और फिर जो साबूदाना को मैंने भिगो के रखा था, हाँ एक चीज़ और, साबूदाना को हमें भिगा के रखना है 2-3 घंटे के लिए। फिर हमें उसी साबूदाना को इस पर डाल देना है, क्योंकि इसको सब कुछ बॉयल होने के बाद ही डालना है, क्योंकि साबूदाना होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब सभी वेजिटेबल्स अच्छे से बॉयल हो जाएगा उसके बाद एकदम लास्ट पे हमें इसको डालना है। डालने के बाद अब देखोगे कि ये ज़्यादा मतलब टाइम ही नहीं लगता ये बॉयल होने में, ये बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है, ये बहुत जल्दी से पक जाता है। फिर मैंने इसे अच्छे से बॉयल करने के बाद जब साबूदाना बिल्कुल बॉयल हो गया है तब इसको साइड में रख दिया था। फिर तड़का लगाने के लिए मैंने उसमें ये थोड़ा सा ऑयल डाला है। फिर ऑयल डालने के बाद उसमें मैंने 2 रेड चिलीज और थोड़ा सा और 5 फोरन ऐड किया है और वो थोड़ा सा फ्राई करने के बाद उसमें मैंने डाल दिया है सभी वेजेस और जो साबूदाना जो बॉयल होके रखा था उसे। फिर हम 5-10 सेकेंड के बाद फ्लेम जो है उसे बंद कर देंगे और उसमें दे देंगे थोड़ा सा देसी घी एंड देन इट इज़ रेडी टू बी सर्व्ड। एंड एज आई ऑलवेज से, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा देन प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट्स ऑन माई वीडियो। आई विल लव टू रीड देम एंड प्लीज़ प्रेस द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माई लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।